तुम्हें बंकर बी में अकेले नहीं जाना चाहिए। वो गद्दार हमारे शिकंजे में फंसने के बावजूद हमारे हाथ से निकल गया। अगर बैकअप टीम हमारे साथ होती तो ऐसा हरगिज नहीं होता। सॉरी सर, लेकिन उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। ये प्लान सिर्फ हमारे बीच में था सर, इसलिए किसी तीसरे को इन्वॉल्व करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आप परेशान मत होइए सर, वो गद्दार हमारे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। मैं उसे पकड़ नहीं सका तो क्या हुआ सर, उसका चेहरा तो हम देख ही सकते हैं ना सीसीटीवी कैमरास के थ्रू। वो गद्दार चलबाजी में ये भूल गया कि हमारे बेस में चारों तरफ कैमरास लगे पड़े हैं और बेस की हर मूवमेंट वो कैमरास में रिकॉर्ड होती हैं। बेस में उस दिन बंकर बी में कौन एंटर हुआ हम देख सकते हैं सर। अभी लेकिन तुम्हीं ने कहा कि वो गद्दार मास्क पहने हुआ था, और जो आदमी मास्क पहने हुआ था उसे हम कैसे पहचाने? सर ये भी तो हो सकता है कि बंकर में एंटर होने से पहले शायद उसने मास्क नहीं पहना हो। और अगर हमें उसका चेहरा नहीं भी दिखे तो भी उस फुटेज में हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा सर, जो उस गद्दार को बेनकाब जरूर करेगा सर। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूं? अगर कैमरा पे मेरी शक्ल आ गई होगी तो। हेलो, ओके, आई विल बी देयर। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम फुटेज लेकर मेरे घर चले आओ। मैं मीटिंग के बाद इमीडिएटली अपने घर पहुंचता हूं। सर। तुमने हमें प्रज्ञा और राशि का पता तो बताया नहीं, लेकिन अब आफताब भाई आने वाले हैं, उनके सामने तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा। आफताब भाई जहान शेख के चचेरे भाई हैं, और इतने खतरनाक कि उनके सामने दुश्मन भी खुद अपनी मौत की दुआ मांगता है। सोच लो लड़की, आफताब भाई के सामने तुम्हें कौन सा झूठ बोलना है? उनके सामने कोई भी झूठ नहीं चल पाएगा, एक पल में वो तुम्हारा झूठ पकड़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफताब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज्यादा बोलने की आदत नहीं, अगर अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो मुझे प्रज्ञा देवी और राशि का पता बता दो। मैं पहले भी बता चुकी हूं 74-10, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तुझे शक्ल से मैं बेवकूफ नजर आता हूं या 74-10 कहकर तू मुझे बरकला लेगी? 74-10
किसी का पता नहीं बल्कि हॉक्स का सीक्रेट कोड है, और इसी SOS सिग्नल के जरिए हॉक्स के मेंबर अपनी टीम को इत्तला करते हैं कि वो हमारे इलाके में है, दुश्मन के इलाके में। इन्हें 7410 का मतलब कैसे पता चला? इस बारे में तो हॉक्स के अलावा किसी को नहीं पता। इसका मतलब तो इन्हीं का एक आदमी हमारे हॉक्स में शामिल है। यकीन नहीं होता, हॉक्स की टीम में गद्दार कौन हो सकता है? अब क्या झूठ बोलने की सोच रही हो? मुझे सिर्फ सच सुनने की आदत है। प्रज्ञा देवी और राशि कहाँ है? कितनी अजीब बात, वो गद्दार हमारे बीच में है लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आज अगर अभी उसे पकड़ लेता तो सारी टेंशन खत्म हो जाती, लेकिन वो बच गया। डोंट वरी तन्वी, वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। तुमने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया ना, तो मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दूंगा। सोचो, अगर ये सारी बातें बाहर आ गई ना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अरे, अभी तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। हाँ, दूर हो जाएगा। और तुम्हारे वीर पापा है ना, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। हाँ। तन्वीप, it's not fair यार। हमें उसे यहाँ बुलाना चाहिए। नहीं फरहान, देखो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती। हम उससे जितनी भी फॉर्मली बात करें, लेकिन फैक्ट यही है कि उसी की बेवकूफी की वजह से सैम किडनैप हुई है। नहीं, सम्राट का साथ देकर मैं समीरा और हॉक्स को खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे बताना ही पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? अच्छा अच्छा, तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ। दिस इज वेरी बैड, बहुत बुरा कर रही हो तुम। क्या कर रही हो? चलो। तुम चाहते क्या हो सम्राट? मैं क्या चाहता हूँ? सबसे पहले तुम मुझे एक्सपोज करने का ख्वाब भूल जाओ। ये हरकत दोबारा की ना तो अभिमन्यु के टुकड़े टुकड़े करके लाश तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। और तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें पता ही है कि जान शेख के लिए अभिमन्यु को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। गुड गर्ल, गुड, वेरी गुड। अब ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी तुम्हारे घर कुछ CCTV कैमरा के टेप्स भेज रहा है जिसमें शायद मेरे असली रूप का सबूत हो। मुझे वो CCTV की टेप्स चाहिए, मुझे वो फुटेज देखना है। सब कुछ घूम रहा है, मेरा सर क्यों रहा है ऐसा मेरे साथ? लेकिन भाई, ये तो पहले से ही बेहोश पड़ी है, फिर से इंजेक्शन बेहोशी का देने की क्या जरूरत? बेवकूफ, उसे इंजेक्शन देने से वो आधी होश में रहेगी। उसके बाद हम जो भी पूछेंगे उसका वो सही सही जवाब देगी, समझा? इंजेक्शन का असर 1 घंटे में शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसका बाप भी बताएगा कि प्रज्ञा देवी और राशि कहां है। भाई,
मुझे सोना नहीं है, वरना इंजेक्शन का असर मुझ पर हावी हो जाएगा। लड़की के पास कौन है? अल्ताफ भाई कोई नहीं, आपने जो इंजेक्शन दिया था उससे तो बेहोश थी वो। एक बार जाकर देख कर आओ। जी भाई। ये तो ऐश कर रही है, तब तक मैं जाके मैच देखता हूँ। रेडियो ट्रांसमिशन आने ही वाले, प्लीज कम इन। लोग कुछ लेंगे? नो थैंक्स। यहाँ कोई आया था। ये वही है जो उस बंकर में था। हरान एक्सन, इसको रिवाइंड करो सर।
अभी लेकिन ये तो मास्क पहने हुआ है, हम कैसे पहचानेंगे इसे? मुझे लगता है कि बंकर में एंटर होने से पहले इसने मास्क नहीं पहना होगा। एंटर होने से पहले की फुटेज देखनी चाहिए हमको, 100% उसका चेहरा नजर आएगा। कैसे हो सकता है? बंकर बी में एंटर होने वाला उसका शॉट कैसे मिस हो सकता है? गुड वर्क। अगर ये टेप उनके हाथ लग जाती तो कयामत आ जाती उनके लिए, मेरे लिए। वैसे मुझे पता था कि वो ये टेप से मुझे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन यू नो आई हैड टू बी श्योर, क्योंकि क्या हुआ ना कि बंकर बी में जाने से पहले मैंने मास्क नहीं पहना था। बट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, तुमने जिस चलाकी से ये टेप चुराई है, वाकई हम दोनों काफी अच्छे जोड़ीदार बन सकते हैं। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हेलो भाईजान, समीरा भाग गई। व्हाट? भाग गई? आई हैड टू मीन भाग गई। कहाँ गई वो? भाईजान ये तो पता नहीं, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई। हम उसे ढूंढने निकालेंगे। वक्त जाया मत करो, जाओ उसे पकड़ो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी भाईजान। ओके डन नाउ। चलो उसे ढूंढना है। समीरा नहीं भाग सकती।